Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 9 science chapter number 1. It is the second part of this chapter. Now I am going to explain state of matter. Matter exists in three different states, that are solid, liquid and gas. In the starting of this chapter I will explain to you that the every matter has a different states. कोई भी पदार्थ जो होता है उसकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। यदि हम उसकी भौतिक अवस्थाओं को देखते हैं तो वह तीन प्रकार की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन दिस पार्ट हम हर एक स्टेट ऑफ मैटर की डीपली स्टडी करेंगे, उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ द फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जो ठोस अवस्था होती है उस अवस्था के अंदर जो भी पदार्थ होता है उसका जो शेप होता है वो और उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन मिनिमम। यदि हम यहाँ पर जो डायग्राम दिए उसको जो डायग्राम दिया गया है यदि हम उसकी स्टडी करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के जो आपको बॉल शेप के अंदर दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, इतना कम है कि वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। क्योंकि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास में हैं इसीलिए इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मिनिमम। अब इनके बीच में चूँकि स्पेस जो है वो बहुत ही कम है इसीलिए ये जो पार्टिकल्स के बीच में जो मूवमेंट है वो बहुत कम है। दे आर लीस कंप्रेसिबल। इनको संपीड़ित करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही कम संपीड़ित किए जा सकते हैं ये। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। हमने जो फर्स्ट पार्ट था इस चैप्टर का उसके अंदर डिफ्यूजन जो टॉपिक है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड्स का वो बहुत ही कम होता है। Now the next properties of liquids. Liquids have no definite shape but have fixed volume. ये हमारे लिए थोड़ा सा important है, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि जितने भी liquids जो होते हैं उनका कोई भी shape नहीं होता। उन्हें जिस container में जिस पात्र में डाल दिया जाता है वो उसी shape को ग्रहण कर लेते हैं। ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बेटे अगर आपके घर पे सरस का या अमूल का जो पैकेट दूध अगर आता है तो हम देखते हैं कि जो 500 ग्राम का जो मिल्क होता है, आधा किलो की जो हम थैली लेकर आते हैं, जो पाउच लेकर आते हैं, तो उस समय उसका शेप कैसा होता है? जब मम्मा उसको कट करके किसी कंटेनर में खाली करके गर्म करती हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। जब हम किसी को वो मिल्क जो है वो पीने के लिए दे रहे हैं या हम तैयार कर रहे हैं खुद के लिए तो उस वक्त जब हम उसे ग्लास में डालते हैं तो उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये तो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम फोकस कर सकते हैं, जिसे हम अपने ध्यान में ले सकते हैं कि कोई भी लिक्विड जो होता है उसका कोई भी जो आकार होता है वो पहले से तय नहीं होता। वो उसे जिस कंटेनर में डाल दिया जाता है वो उसी आकार को ग्रहण कर लेता है, लेकिन इनका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है ना। जैसे कि जब हमने उस पाउच को ओपन किया था उससे पहले वो अगर 1 kg का था, 1 kg का होगा, या वो मतलब 1 liter का यदि हमारे पास अवेलेबल है तो उस वक्त वो 1 liter ही था। जब हमने उसको किसी कंटेनर में खाली करा तभी वो 1 liter ही था। तो इस तरीके से उसका जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स होता है। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इंटरमीडिएट। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड्स के उनके बीच में कुछ मात्रा में स्पेस होता है। द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। सेम कि इनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है तो जो अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में वो सॉलिड की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। अब सॉलिड की तुलना करें यदि हम इसके साथ में तो जो लिक्विड जो होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है। दे आर लेस कंप्रेसिबल। ये लेस कंप्रेसिबल होते हैं। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स। इनमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड की तुलना के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. यदि हम गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करें देन गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप और फिक्स वॉल्यूम. जो गैसेस होते हैं उनका ना तो शेप फिक्स होता है ना ही उनकी वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स होती है. गैसेस ऑक्यूपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर. जिस भी कंटेनर में गैसेस को रखा जाता है वो पूरी ही जगह को काम में लेती हैं. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम. यदि हम इनके पार्टिकल्स की बीच की स्पेस की बात करें तो मैक्सिमम होता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनकी पार्टिकल्स के बीच में वो कम होता है, बहुत ही कम होता है. द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम. मूवमेंट जो है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा है. दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल. ये बहुत ही ज़्यादा संपीड़ित किए जा सकते हैं. देयर रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड्स. सॉलिड और लिक्विड की तुलना में जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो इनका सबसे ज़्यादा होता है. यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर आपको डायग्राम शो किए गए हैं कि जो गैसेस हैं उनके बीच में देखिए आप कितना स्पेस जो है वो हमें दिखाई दे रहा है. लिक्विड में उससे कम है और सॉलिड के अंदर तो बिल्कुल ही कम है, नहीं के बराबर है ना. बिल्कुल आप देखिए बहुत कम स्पेस हमें दिखाई दे रहा है. नाउ द नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट. व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंज इनटू लिक्विड. जब किसी सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वह लिक्विड में चेंज होता है. व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट चेंज इनटू गैस. और जब किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है, हीट दी जाती है, तो वह गैस स्टेट में कन्वर्ट होती है. व्हेन अ गैस इज कूल्ड इट चेंज टू लिक्विड. जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंज इनटू सॉलिड. और जब किसी लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो वह सॉलिड अवस्था के अंदर बदल जाते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे घर में अवेलेबल है. जो हम फ्रीज़र में से जो आइस निकालते हैं इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक. देखिए सॉलिड एग्जांपल देखिए हमने वही लिया है. इफ़ आइस इज हीटेड इट चेंज इनटू वाटर. यदि आइस को गर्म किया जाता है तो किस में कन्वर्ट होती है बेटे, वाटर में, है ना. आइस को हम गर्म नहीं करते. जैसे कि हमने जो जो हमारा फ्रीज़र है, डीप फ्रीज जिसको हम कहते हैं, उसमें से हमने आइस को बाहर निकाला और रूम टेम्परेचर पे उसमें रख दिया. तो हम क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद में कि रूम टेम्परेचर पे वो जो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है. अब इस वाटर को हम किसी डेंसर्स के अंदर लेकर और हम गर्म करें, किसी कंटेनर में लेकर यदि हम उसे गर्म करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, भाप में कन्वर्ट हो रहे हैं. इफ़ स्टीम इज़ कूल्ड, यदि हम उसके ऊपर कोई प्लेट लगा देते हैं, उस कंटेनर को हम ढक देते हैं, तो हम क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद में यदि हम उसको ऑब्जर्व करें तो प्लेट के निचले हिस्से पर हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं. देन यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि इफ़ स्टीम इज़ कूल्ड इट चेंज इनटू वाटर. यदि भाप को ठंडा किया जाता है तो वह वाटर में कन्वर्ट होती है ना. प्लेट से टकराने के बाद में वो जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. एंड इफ़ वाटर इज कूल इट चेंज इनटू आइस. एंड देन आफ्टर वो जो पानी है उसे हम आइस ट्रे के अंदर डाल दें और वापस से उसे डीफ्रिज के अंदर रख देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ आस के बाद में इट कन्वर्ट इनटू द आइस. ये आइस में कन्वर्ट हो जाती हैं. सो चेंज ऑफ स्टेट टॉपिक जो है वो आपको आई होप कि बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा. यहाँ पर देखिए इसको हमने बहुत सिंपल वे में आपको शो किया है. सॉलिड स्टेट हीट देन कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इज हीट देन इज कन्वर्ट इनटू द गैसेस स्टेट. और फिर गैस को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में और लिक्विड को ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है. नाउ यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर जो है उसको हमने एक डिफरेंट डायग्राम से भी आपको शो किया गया है. नाउ द नेक्स्ट इज मेल्टिंग. व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द पार्टिकल्स बिगन टू वाइब्रेट विथ ग्रेटर स्पीड एंड बिगन टू मूव मोर फ्रीली. देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट द चेंज इन टू लिक्विड. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन.
यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन आता है, ये जो मेल्टिंग पॉइंट के नाम से हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि ये नेक्स्ट लाइन में ही है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड इज मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। यहाँ पर इस टॉपिक को बहुत इजीली हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी सॉलिड जो होता है जब वह मेल्ट होने लगता है, जब वो गलने लगता है, तो वो पॉइंट जिसके ऊपर सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है वो उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। हिंदी में यदि मैं आपको समझाऊं तो वह पॉइंट, वह बिंदु जिसके ऊपर कोई भी ठोस पदार्थ गलने लगता है उसे उसका गलनांक बिंदु कहा जाता है। यदि हम आइस के बारे में स्टडी करें तो जो वाटर है, जो आइस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यदि हम केल्विन के अंदर लेते हैं तो देन इट इज़ 273 केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यदि हम कोई भी सॉलिड ले रहे हैं जिसका कि वेट 1 किलोग्राम है और उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करने के बाद में वो जो 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड जो है उसको कम्प्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जितनी भी एनर्जी दी जाती है, वो जितनी हीट उसे दी जाती है, वो उस पदार्थ की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। नाउ द नेक्स्ट इज बॉइलिंग। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स बिगिन टू मूव इवन फास्टर देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिंस टू बॉइल एंड चेंज इनटू गैस वेपर। हमने देखा कि जब भी किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है तो एक ऐसी स्टेज आती है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर लगातार गर्म करने के ऊपर उसे वेपर कंडीशन के अंदर बदला जाता है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स एंड बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टेट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड बॉइल होने लगता है उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 केल्विन। यदि हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यदि केल्विन के अंदर देखते हैं देन इट इज 373 केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वही जो अभी हमने पीछे देखा, तो उसके अंदर हमने वर्ड सॉलिड लिया था, यहाँ पर हम लोग लिक्विड वर्ड ले रहे हैं। किसी भी 1 किलोग्राम ऑफ जो लिक्विड जो है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर उसे वेपर कंडीशन के अंदर चेंज करने में हम जितनी भी हीट दे रहे हैं वह उस पदार्थ की, वह उस लिक्विड की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। नाउ यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको शो किया गया है कि देखिए जो सॉलिड है वो जब कूल है, जब ठंडा है, तो उसके बीच के अंदर किस तरीके का जो मॉलिकुलर स्पेस जो है वो उसको शो किया गया है, जो एडजस्टमेंट है वो आपको दिखाया गया है, और जब उसे गर्म किया जाता है तो उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक ऐसे ही लिक्विड का देखिए, लिक्विड जब ठंडा है तो उस कंडीशन में उसका जो इंटर मॉलिकुलर डायग्राम आपको शो किया गया है वो कितना सिस्टमैटिक है, और जब इसको हीट दी जाती है तो ये किस तरीके से दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन, एंड आई विल बी एक्सप्लेन टू यू दिस टॉपिक इन अ नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच बेटे।